बीजेपी की जगदलपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज राजीव भजबन जगदलपुर में लिया प्रेस वार्ता। महिलाओं और किसानों के लिए 5-5 गारंटी। कांग्रेस देगी हर महिला को 1 साल में 1,00,000 रुपए। युवाओं के बाद कांग्रेस की महिलाओं और किसानों के लिए 5 गारंटी। कांग्रेस की सरकार बनने पर युवा महिला किसान आत्मनिर्भर होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं से वादा करती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी, जिसमें हर महिला को 1 साल में 1,00,000 रुपए अर्थात महीने में 8,333 रुपए मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों को महीने में मात्र 1,000 रुपए और सालाना में 12,000 रुपए देगी। कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दोगुना किया जाएगा। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। देश के सभी जिला मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के साथ किसानों के सुख समृद्धि के लिए 5 गारंटी सरकार देती है। पार्टी की तुलना में कांग्रेस लोकसभा में ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। अभी आप कह रहे थे नारी सम्मान की बात कर रहे हैं और लगातार आपके पार्टी के महिलाएं खासकर अपमानित और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ रहे। कहीं कोई पार्टी नहीं छोड़ रहे, घर की बात है। इस्तीफा दिए हैं, कहीं नाराजगी हो सकती है, किसी से शिकवा शिकायत हो सकता है, घर की बात है, हम घर में बैठ के कर लेंगे। लेकिन कहीं भी कांग्रेस में किसी को मान सम्मान की बात है, कहीं सम्मान बात कहीं कभी नहीं हुई है। भैया विजय बघेल जी पूछ रहे हैं कि पुराने सीएम भूपेश बघेल जी पार्टी छोड़ के क्यों भागे? देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। उनको पूरे प्रदेश पहचानती है, पूरे प्रदेश जानती है। सिर्फ पाटन ही क्यों, नब्बे विधानसभा जा सकते हो, 11 विधानसभा मुझे लगता है कि डर गए हैं और वो और उनका बयान हमारे कांग्रेस प्रत्याशी से डर के वजह से दिया हुआ बयान है। रही बात मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, 11 लोकसभा सीटों में सब जगह कहीं पे भी आरक्षित सीटों को छोड़कर कहीं पे भी लड़ने का मादा रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। मैंने शुरू से कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये दिख रहा है। कभी तो भूपेश बघेल के खिलाफ, तो कभी तो विकास उपाध्याय के खिलाफ, तो कभी तो मिसेस महंत के खिलाफ, कभी और किसी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है। मैं समझता हूँ कि निरमा पाउडर भी उससे ज़्यादा कम है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी। ₹100 क्यों पहुंची? आज ₹2 कम करने के बाद कौन सा एहसान कर रहे हैं? एक बार में मतलब हर साल लगभग 7-8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाएंगे, चुनाव के वक्त 2 रुपए कम कर देंगे, चाहे पेट्रोल डीजल पे हो या फिर गैस पे हो। देश की जनता समझ चुकी है कि ये चुनाव है, चुनाव है तो 2 रुपए कम हो गए, चुनाव है तो 5 रुपए कम हो गए, लेकिन इससे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लालच में आने वाली नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी इस समय चरम पर है और चरम पर है। देश के युवा, देश के किसान, देश के महिलाओं में आक्रोश है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीत कर जाएंगे। चुनाव का समय है, नक्सल थ्रेट को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, राजधानी में डकैती पड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देखें? मैंने शुरू से
कहते आ रहे हैं हम लोग, कांग्रेस पार्टी शुरू से कहते आ रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लूट, हत्या, डकैती, चोरी और बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बस्तर के आदिवासी सुरक्षित नहीं है, फर्जी एनकाउंटर बढ़ गया, फर्जी सरेंडर बढ़ गया, और मतलब इस सरकार में कोई भी सुरक्षित, यहाँ तक कि पुलिस वाला तक सुरक्षित नहीं है, जो मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है उनके उनको मिलने के लिए एक युवा एक पिस्टल लेके गन लेके मिलने